हाय गाइस, बहुत दिन के बाद मैं ब्लॉग बनाने के लिए तैयार हूँ। सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि मेरी यूट्यूब फैमिली कैसी है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। और अभी मैं निकल रहा हूँ अंधेरी के लिए, तो अंधेरी में एक मेरी छोटी सी शूटिंग है और शूटिंग के लिए निकल रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि वो शूटिंग आपको पसंद आएगी, और ऐसा कुछ हुआ तो मैं आगे आपको अपडेट देता रहूँगा कि शूटिंग किस तरह की चल रही, कौन कौन आया वहाँ पर और किस तरह से लोग शूटिंग कर रहे हैं। तो बस आप लोग देखते रहिएगा। और सॉरी कि मैं इतने दिन तक ब्लॉग नहीं डाल पाया, क्योंकि तबीयत ख़राब थी। आपको तो मालूम है, बता चुका हूँ कई बार ब्लॉग में कि मेरी कमर में थोड़ी तकलीफ़ हो गई थी, इसकी वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पा रहा था। तो अब मैंने बनाया है आपके सामने और मैं स्टार्ट किया है, और आगे की जर्नी मैं आपको बताऊँगा इस ब्लॉग की। और प्यार से देखिएगा आप लोग। अब मैं यहाँ आ गया हूँ अंधेरी में, और यहाँ पर हमारा एक शूट होने वाला है यूट्यूब के लिए। बड़ा ज़बरदस्त किस्म का शूट है भाई, बड़ा मज़ा आने वाला है। तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग इसको देखिएगा जरूर। नहीं देखेंगे तो आपको जानते हैं कि मेरा गुस्सा कैसा है। मैं किसी पर भी नाराज़ हो जाता हूँ, आप पे भी नाराज़ हो जाऊँगा। तो जनाब, हमें पूरी उम्मीद है कि आप हमारे शूट को जो है बड़े दिल से, बड़े अच्छे तरीके से देखेंगे। नहीं देखेंगे तो हमारा मामला तो आप जानते हैं कैसे है। रिश्ते में तो हम सबके बाप होते हैं। नाम आए आए नहीं समझ रहे कि नहीं? आप लोग तो समझदार हैं, समझेंगे क्यों नहीं भाई साहब। आए तो इधर देखिए, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ भाई साहब इकट्ठे हैं। और यहाँ हमारे देखिए आर्य भाई, जो कि हम आर्य भाई से कम 20-21 साल पहले मिले थे, और जवानी में और वैसे माफ कीजिएगा, अभी भी हम जवानी लगते हैं, बूढ़े हो ही नहीं रहे। शादी के रिश्ते बहुत आ रहे मेरे को। हाँ, अरे क्या पूछो, एक से एक लड़की भाई पीछे पड़ी हुई है। मैं शादी नहीं कर रहा क्योंकि बहुत लंबा टाइम हो गया। अब कहाँ मामला, तुम समझ गए। हाय डियर, हाय डियर, हाउ आर यू? फाइन, कैसे हैं आप? तो दोस्तों, यहाँ से करीब 5 या 10 मिनट में हम जो है यहाँ से निकलने वाले हैं अपने प्रस्थान की तरफ, जहाँ शूटिंग होने वाली है। और वहाँ शूटिंग 4-6-7 लोग जो हैं वो पता नहीं किस किस की कॉपी करेंगे, क्या क्या करेंगे, मैं नहीं बताऊंगा, वो आप ही देख लीजिएगा और बताइएगा कि उन्होंने कैसा काम किया। और मुझे उम्मीद है कि आप तारीफ करेंगे, जो अच्छा करेगा तारीफ करिएगा, जो अच्छा ना करे तो उसकी भी तारीफ कर दीजिएगा। साले का मुराल बढ़ेगा। तो जरा अपने घर की खोलेंगे भाई साहब, हमारी तारीफ ज़्यादा लंबी है। बचपन से है सर पे अल्लाह का हाथ, अल्लाह रखा है अपने साथ। बाजू पर 786 का बिरला बीड़ी पीता है, 30 नंबर के काम करता है कुली का। और नाम आए बताइए, आपको तो मालूम होगा। नहीं नहीं बताएंगे तो पता चलेगा, बताएंगे नहीं तो पता कैसे चलेगा। बताइए ना, क्या नाम है हमारा? नहीं मालूम, मेरे को भी नहीं मालूम। जय हिंद, जय भारत। चलते हैं, आगे मिलते हैं, आगे प्रोग्राम होने वाला है, वहाँ जाकर के मैं आपसे बात करता हूँ। थैंक यू। हम लोग शूट की जगह पहुँच गए हैं, और थोड़ी देर के बाद हम शूट पर जाएंगे और हम सब लोग मजा करेंगे। 5-6 लोग हैं साथ में, ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है। तो आप लोग भी देखिए, शूट की जगह है और बड़ी मस्त जगह है। देखिए भाई साहब, इनकी शक्ल जो है वो मुझे बिल्कुल क्या कहते हैं, शाहरुख खान जैसी लग रही है। तो ये भाई साहब यहाँ बैठे हुए, तो मैंने इनकी शक्ल देखी और देखने के बाद इनसे कहा कि आपकी शक्ल जो है बिल्कुल शाहरुख खान की तरह लग रही है। तो मुंडी घुमा के देख ही नहीं रहे मेरी तरफ, पता नहीं क्यों नहीं देख रहे भाई। और क्या बात है, अरे ए साला, हेलो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल दोस्तों। आज मैं और हमारे फिरोज खान साहब और हमारी सभी कलाइक भाई, आपका आयरन करना क्या कोट? नहीं नहीं, स्टीम एंड मॉडर्न पटा नहीं, रिंकल तो नहीं ना? नहीं नहीं, रिंकल ये कि अबे बिना रेक के हाउस गेम, अबे बिना रेक के हाउस गेम क्यों दूं क्या? ठीक
हाँ तो अभी आप देख ही रहे हैं कि शूट शुरू हो चुकी है और पहला शॉट भी हो चुका है। बड़ा मज़ा आया, साथ में इतने प्यारे लोग मिले, बहुत प्यारे लोग हैं और काम करने का अपना एक अलग ही मज़ा है। सर कैसा लगा काम आपको ये बताइए? बहुत अच्छा लगा, बड़ा मज़ा। कन्फर्म अभी यहाँ पर अभी माफ कीजिएगा दूसरा शॉट चालू होने वाला है तो दूसरा शॉट देने जा रहा हूँ, तो भाई माफ कीजिएगा लेकर के भी आया। उसके बाद खाने का प्रोग्राम है, उसके बाद खाना खाएंगे मजे से और आपको भी खिलाएंगे दूर से, समझ गए आप? तो आप तैयार ये, मैं बस यूं गया और यूं आया आपसे बात करूंगा। खाना आ चुका है और मैं बताऊँ आपको कि खाना इतना जबरदस्त है, टेस्टी खाना है, एकदम देसी खाना जिसको बोलना चाहिए ना वो खाना है, बहुत प्यारा। चाहता हूँ कि एक शाहरुख खान जी की जो एक हंसी है जो उनकी बहुत फेमस है, तो मैं चाहूँगा कि आप जरा टॉन की तलाश तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन एक बात समझ लो, असली टॉन ये पहचान गए भाई साहब, असली डॉन कौन है और नकली कौन है। इसलिए मैं इनसे कहता हूँ कि हमेशा असली डॉन को पहचानो, नकली होता है, असली होता है। तो भाई साहब ये समझ गए कि असली कौन है, तो समझ गए कि नहीं? समझ गया बिल्कुल भैया है। शूट हो चुका है और बस ऐसे 10-15 मिनट के बाद यहाँ से हम निकलेंगे अपने घर की तरफ और प्रस्थान करेंगे अपने बच्चों के पास। बच्चे बेचारे हमारा इंतजार कर रहे हैं कि पापा कुछ लेके आएंगे। अब सुबह का टाइम है, मैं उनके सोच रहा हूँ कि उनके लिए मैं लेके क्या जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर अभी तक ये जाकर चले जाएंगे। ये देखिए भाई साहब, सर आपका चेक सर। ओह वेरी गुड, पप्पी दी है। स्वागत नहीं करोगे हमारा, कमाल कर दो। हेलो दोस्तों, इस वक्त शूटिंग से मैं अपने घर पर आ गया हूँ और उम्मीद है कि आपको जो है वो शूटिंग पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी और बड़ी मेहनत से मैंने काम किया। अगर आपको लगे कि मेहनत में अच्छा काम किया तो प्लीज़ आप तारीफ ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि तारीफ मुझे बड़ी अच्छी लगती है। तो बताइए कि मैंने कैसे काम किया। और ये गेटअप देखिए एकदम अलग मेरे घर का है, और वो गेटअप आपने, मैंने जो अमित जी का गेटअप लिया तो किस तरह का गेटअप लिया और कैसे मैंने उसमें काम किया तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आइए इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा गाना, जैसे हर वीडियो में मैं आपको सुनाता हूँ तो इसमें भी एक थोड़ा सा मैं सुना देता हूँ। वो जो प्यार में होता है एतबार में होता है, तेरे साथ भी है यार मेरे वही तो हुआ। मत रो मेरे दिल, चुप हो जा, हुआ सो हुआ। दुख में कटे या सुख में बसर हो, जीना तो हर हाल में होगा। अमृत हो या सूखे जहर हो, पीना तो हर हाल में होगा।
थैंक यू दोस्तों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अगर नहीं करेंगे तो मैं आपकी बात का बहुत बुरा मान जाऊंगा। अरे यार लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा।